बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। ऑल फॉर यू कुकिंग एंड व्लॉग के किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो जो है वो गुड़ के फ़वाद पे है। आप सब लोग, बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे हैं जो कि गुड़ के फ़ायदे नहीं जानते, और अगर आप गुड़ के फ़ायदे जान लें तो आप गुड़ को कभी भी ना छोड़ें, बल्कि प्रॉपर तरीके से गुड़ इस्तेमाल करना शुरू कर दें। देखें जी, गुड़ जो है ना, ये केमिकल से पाक होता है, चीनी इसी से बनती है, लेकिन इसको जो है ये उसको चीनी को जो है केमिकल के बहुत सारे मराहल से गुजार कर तो फिर बनाया जाता है, लेकिन गुड़ जो है वो खालिस गन्ने के रस से बनाया जाता है, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये किन किन चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है वो मैं आपको बताती हूँ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस करें, और लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं। अच्छा जी, गुड़ के फ़वाद में सबसे पहले तो ये कि गुड़ मीठा होता है, सभी जानते हैं। मीठे होने के जो है इससे एक सुन्नत पूरी होती है कि मीठा जो है खाना सुन्नत है, ठीक है। मीठा हमारे लिए ज़रूरी भी होता है। अच्छा, शुगर के मरीज़ भी कुछ मिकदार में गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक, ठीक है। अच्छा, गुड़ जो है वो हाजमादार होता है। अगर आप खाना खाने के बाद गुड़ की चाय पी लें, या गुड़ का कावा पी लें, या थोड़ा सा गुड़ खा लें, तो खाना जो है वो जल्द हजम हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा गुड़ से आपका वज़न भी कम होता है, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। गुड़ से वज़न कम होता है, गुड़ से आपकी रंगत साफ़ होती है, गुड़ से आपका मैदा जो है वो बिल्कुल प्रॉपर ठीक तरीके से काम करता है, जिगर ठीक रहता है, और गुड़ हड्डियों को मजबूत करता है। गुड़ में बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, जो कि गुड़ आपके जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द, आपने देखा होगा कि जब हम इस तरह की कोई चीज़ बनाते हैं जिनमें गोंद और इस तरह की दवाइयाँ शामिल होती हैं, तो उसमें गुड़ भी डाला जाता है। वो इसलिए डाला जाता है कि इससे जो है आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं। और इसके अलावा गुड़ के फ़ायदे ये हैं कि गुड़ जो है, अगर आपका गला ख़राब है तो आप थोड़ा सा गुड़ खाएं और अदरक का कावा बनाएं और उसमें गुड़ शामिल करें, तो गुड़ जो है वो आपका गला ठीक कर देगा। और इसके अलावा अगर आप को सर्दी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो गुड़ जो है, गुड़ का कावा पिएं, गुड़ की चाय बनाएं, बहुत मज़ेदार लगती है सर्दियों में गुड़ की चाय। और गुड़ जो है ना वो आपको एक तो हाजमादार है, आपका खाना पीना सब हजम कर देगा, दूसरा आपको ताकत देगा, एनर्जी आएगी आपके आप में एकदम से, और गुड़ जो है आपकी हड्डियाँ मजबूत करेगा, और इसके अलावा गुड़ आपका खाना हजम कर देगा और आपको गर्माइश देगा, ठीक है। सर्दियों में जब आप गुड़ की चाय पियेंगे या गुड़ इस्तेमाल करेंगे, गुड़ के चावल बनाए जाते हैं सर्दियों में, इसीलिए गुड़ से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। गुड़ की पट्टी बनाई जाती है, कभी मूँगफली डालकर, तो कभी तिल के साथ, तो कभी चनों के साथ, जो कि गर्म होती है, और ये गुड़ बहुत मज़े की लगती है, बैठ कर खाएँ शाम की चाय के साथ, या किसी को गिफ्ट दें तो बहुत ही अच्छा लगता है। और गाँव देहातों में तो गुड़ जो है एक गिफ्ट के तौर पर जाता है एक दूसरे के घर, और जब ये गर्म गर्म निकलता है और गर्म गर्म इसे खाया जाता है तो बहुत ही मज़ेदार लगता है, बहुत ज़ायकादार लगता है। और गुड़ के चावल भी पकाए जाते हैं, गुड़ की पिनियाँ, गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। गुड़ जो है गर्ज के बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, अगर गुड़ का शरबत बना लिया जाए तो वो गर्मियों में बहुत ज़बरदस्त लगता है। और इसके अलावा जो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि खाएं तो देर से हजम होती हैं, जैसे मूली वगैरह हो गई, या मूली का पराठा हो गया, और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें, अगर आपका मैदा कुछ गड़बड़ कर रहा है और खाना सही से हजम नहीं हो रहा, स्पेशली मूली खाने के बाद जो है आपको गुड़ लाजमी खाना चाहिए। अच्छा जी, तो गुड़ के बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं। गुड़ जो है हमारे पास एक तोहफ़ा है अल्लाह ताला का, हमारी सेहत के अतबार से, ठीक है। तो आपने गुड़ ज़रूर इस्तेमाल करना है, मेरी एडवाइस है आपको कि आप गुड़ ज़रूर इस्तेमाल करें, बहुत मज़े का लगता है। और आदत पड़ चुकी है हम लोगों को चीनी की, लेकिन चीनी जो है वो एक ख़तरनाक केमिकल है, उसको सफ़ेद जहर भी कहा जाता है, तो गुड़ जो है वो बिल्कुल भी इस तरह का नहीं, आपको नुकसान नहीं देगा। हाँ, ज़्यादती तो हर चीज़ की नुकसान देती है, तो एक लिमिट में जो है ना आपने गुड़ को इस्तेमाल करना है। अच्छा, मैं गुड़ की चटनी भी बनती है बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। मैं आपको इंशाल्लाह गुड़ की चटनी बनाकर एक वीडियो ऐसी बनाऊंगी जिसमें गुड़ की चटनी हो, तो मैं आपको गुड़ की चटनी बना के दिखाऊंगी, बहुत मज़ेदार लगती है, बहुत जायकेदार लगती है। गर्ज की हम बहुत सारे तरीक़ों से हम गुड़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं एक जल्द पीनट चिकन यानी कि मूँगफली की पट्टी गुड़ के साथ जो है वो मैं वीडियो अपलोड करूँगी, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लगती है, बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं।
तो कैसी लगी जी आपको आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। इसके अलावा नए आने वाले प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो जल्दी से देख सकें। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि मेरा वॉच टाइम जल्दी से पूरा हो जाए। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।